दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी आवेदन किया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और जो आपका आवेदन है वो पेंडिंग में चल रहा है। काफ़ी समय हो चुका है, दो दो तीन तीन साल हो चुके हैं किसान भाइयों को और उनका आवेदन पेंडिंग में चल रहा है, उन्हें अप्रूवल नहीं मिला है और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फुल जानकारी देंगे कि यदि आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है उसे अप्रूवल कैसे कराएं, वो भी आसान तरीके के साथ में, बिना झंझट के साथ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम आ जाएंगे पीएम किसान पोर्टल पे और आने के बाद में हम यहाँ से अपना स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे और आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर, तो इस पे आप सिंपली ओके करेंगे और जैसे आप किसान भाई ओके करेंगे वैसे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, वैसे आपको कैप्चा डाल देना है। जैसे आप कैप्चा डालेंगे वैसे आपको सर्च पे ओके कर देना है। सर्च पे ओके करने के बाद में आपको जो स्टेटस है वो लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद में आपको यहाँ से नेम दिख जाएगा और आपके पिताजी का नेम दिख जाएगा। उसके बाद में जो किसान भाई हैं उनका आधार कार्ड नंबर लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे, जैसे आपको मोबाइल नंबर, और वैसे आपको यहां से अकाउंट नंबर भी यहां शो करने लगेंगे। दोस्तों, जो अकाउंट नंबर है जो बहुत किसान भाइयों के जो स्टेटस में शो नहीं कर रहा है, नहीं आईएफएससी कोड आ रहा है, इस वजह से किसान भाइयों को कन्फ्यूजन है कि हमारा अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है तो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किस खाते में जाएगा। दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों कन्फ्यूजन भी होना जरूरी है कि किस खाते में जाएगा पैसा, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। यदि आपका अकाउंट नंबर नहीं लगा तो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो आधार कार्ड डीबीटी माध्यम से भेजा जाता है। मतलब जिस बैंक में आपका आधार कार्ड सेटिंग, मतलब जिस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है, डीबीटी इनेबल है, एनपीसीआई से लिंक खाता है, उसी बैंक में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाएगा। जैसे मानो आपके दो खाते हैं और एक खाते में आपका डीबीटी इनेबल है, डीबीटी चालू है, एनपीसीआई लिंक है, दूसरे बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है मगर बट उसमें डीबीटी चालू नहीं है, और जिस बैंक में आपका डीबीटी चालू है उसी बैंक में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाएगा। दोस्तों, चाहे आपके 5 खाते हो या 2 खाते हैं, दोस्तों डीबीटी इनेबल आपके 2 खाते में है या 1 खाते में, उसी में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाएगा। यदि आपका अकाउंट नंबर शो नहीं करता है तो उसकी वजह से आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत। और तीसरे नंबर पे आपको यहां से मिल जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपको यहां से शो कर जाएगी। एक किसान भाई है जिनका रजिस्ट्रेशन 27/9/2019 में पीएम किसान सम्मान निधि में इन्होंने किया था और करने के बाद में इनका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा था, पेंडिंग में चलने के बाद में इन्हें अप्रूवल नहीं मिला था, इन्हें काफी समस्या आ चुकी थी और समस्या का समाधान करने के लिए हमें इन्होंने एक मैसेज किया था और स्क्रीनशॉट भेजा था। उसके बाद में हमने एक सॉल्यूशन इन्हें बताया था, उसके बाद में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया है। अप्रूवल देख सकते हैं दोस्तों यहां से आप। दोस्तों, उसके बाद में आपको रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको देख लेना है, यदि यहां पे लैंड सेटिंग डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है या अपात्र लिख के आता है या नॉट एलिजिबिलिटी लिख के आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा और आपका फॉर्म अपात्र हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि किस प्रकार का कोई मैसेज नहीं आता है, आपको जो मैसेज आता है वो पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ शो करेगा। दोस्तों, पेंडिंग के फॉर्म अप्रूवल करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है दोस्तों यह तरीका हम आपको जेनुअल बताएंगे, आपको जे भी फर्जी भाड़ा भी नहीं बताएंगे कि आप ऑनलाइन कर लें। दोस्तों, हम बता दें यदि आप ऑनलाइन कोई कंप्लेंट डालते हैं तो उस कंप्लेंट का आपको आंसर कम से कम 2 मंथ लग जाते हैं, 1 से 2 मंथ लग जाते हैं और उसमें बीच में आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन होता भी है नहीं होता है, इस बीच में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, जो आज हम आपको तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका बता रहे हैं, उसके जरिए आपको फॉर्म जल्द से जल्द वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो फॉर्म आपको जो दिख रहा है इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लें और उसके साथ में आपको आधार कार्ड अटैच करना है और आपको खतौनी अटैच करना है। खतौनी दोस्तों जो करंट का निकला हुआ हो या तहसील का निकला हुआ, या आप खुद से भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और करंट का जो डेट का है वो अभी का फिलहाल का निकला होना चाहिए। आपको आधार कार्ड और खतौनी और आपको यह प्रिंट आउट लगाने के बाद में आपको तहसील जाना है या आप ब्लॉक भी जा सकते हैं। दोस्तों, यह आपके डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक और तहसील में दोनों जगह काम चलता रहता है। तहसील में जब आप जाएंगे, जो भी कृषि विभाग के जो भी अधिकारी हो उनसे आपको संपर्क करना है और उन्हें जो स्क्रीनशॉट जो आपने प्रिंट आउट निकाल के ले गए थे, जो डॉक्यूमेंट आप ले गए थे, उन्हें डॉक्यूमेंट देना है। जब वो अपना सत्यापन करेंगे वहां से वो अपना जैसे आपका जो फॉर्म होगा वो वेरीफाई करेंगे, रिपोर्ट लगाएंगे, वैसे आपका जो जमीन का सत्यापन करेंगे, आपकी फॉर्म की जाँच करेंगे। जब आपका फॉर्म जेनुअल पाया जाता है, आपकी जमीन जेनुअल होती है, आप जेनुअल फॉर्म जो आवेदक हैं जेनुअल होते हैं, आप पात्र होते हैं, तभी आपका फॉर्म पात्र लिस्ट में आएगा। यदि आप किसी प्रकार की त्रुटि होती है, आपके पास में, तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको फॉर्म की जांच की जाएगी, जांच के
स्तर पर यदि आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो उसी टाइम आपका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा। यदि आपका उस टाइम नहीं होता है तो आपको 10-15 दिन का वेट कर लेंगे और फिलहाल आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया है तब से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।